you excited? Yes. Alhamdulillah, first trip together. We are on flight. तो first my flight अब take off करने वाली है, तो मैं समझ सकूँ अच्छे से हूँ. I'm some husband. Assalamualaikum everyone. Welcome back to Umul's channel. तो मैंने मम्मा को वीडियो कॉल किया क्योंकि मुझे बहुत आदत है उनकी, आई मिस हर. तो बस यहाँ पे पैकिंग वैकिंग सब डन हो चुकी है और जो भी जूते वूते सब रह गए हैं, ब्रश व्रश, वो हम सुबह में ही रख लेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. तो बस जल्दी से अब सो जाते हैं. सुबह के जो भी काम है, वो पेंडिंग जो भी है, वो जल्दी जल्दी उठ के मुझे सुबह काम करने हैं पूरे. और इंशाल्लाह कल की फ्लाइट है हमारी. The next day. तो जल्दी से इसमें हम ब्रशेस डाल लेते हैं. तो यो, वी गॉट रेडी. Are you excited? Yes. Our first trip together. Yes. Alhamdulillah. इतना ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि इतना हैट्रिक हो गया मम्मा के बिना. और देखिए एक चीज़ रख के जाना, तो बस let's go. Our trip begins. स्टे पोर्ट. तो बस जल्दी से हम अंदर चलते हैं एंड हमारी फ्लाइट 10:15 की है, एंड 8:30. तो जल्दी चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है. बैंगलोर में भी ठंड हो गई एकदम से. तो सब सेंटी हो गए क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ट्रिप है. तो बस अल्लाह अच्छे से हो, अच्छे जाए, अच्छे से वापस आए. तो बस लेट्स गो. बाय, टेक केयर. तो बस हम अंदर जा रहे हैं, आप लोग एंट्री ले रहे हैं. सब हम लोग अंदर आ चुके हैं. वी एंटर्ड ऑन, इन्होंने बहुत ईजी कर दिया है अब सब कुछ. एंड अभी तक मम्मा खड़े हैं, मम्मा एंड भाई. लगेज चेकिंग करा के मिलती हूँ आपसे. तो इतनी लंबी क्यू है यहाँ पे. तो क्यू देख के मुझे चक्कर आ गए. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, ठंडी लग रही है मुझे. और यहाँ पे जल्दी चेक इन करानी है हमने. और वहाँ पे लगेज के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है पहले से, आप चेक कर सकते हो. हमने ऑलरेडी करा लिया. हमारी ट्रिप छोटी है बट हमारा लगेज इतना ज़्यादा है, इसलिए हमने पहले से ही लगेज की वेट चेक करा लिया था, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना हो. तो हमारा गेट नंबर 41 है एंड बहुत लास्ट में है. गेट चेक इन इज़ डन. अब हम ऊपर जा रहे हैं जल्दी से, हम अपना जो भी आगे का प्रोसीजर है वो कर लेते हैं. हंसी आ रही है, हंसना बहुत आसान है. लॉन्ग बूट्स की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे क्योंकि उतारने पड़े. तो बस एवरीथिंग इज़ डन, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया. बस अब बोर्डिंग तक जाना है हमें, बोर्डिंग गेट्स पे जाके आराम से बैठ के, एंड देन विल वेट. तो मुझे नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, बस सब एक साथ ही हो रहा है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह से दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर. दिस इज़ माय टुडेज लुक. तो बस जल्दी से चलते हैं अब. मास्क हमेशा की तरह वेट कराती हूँ मैं वॉशरूम में आके. अति दूर है हमारा बोर्डिंग गेट्स, हमारा ही नसीब ऐसा था. चलते चलते मैं थक गई, ऊपर से बूट्स भी काट रहे हैं थोड़े बहुत. एंड अब भी हमने बर्गर ले लिए हैं, काफ़ी भूख लग रही है, कहीं बैठ के खाएंगे. माज़ा, आर यू एक्साइटेड? यस, ही इज़ वेरी एक्साइटेड. अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ट्रिप टुगेदर. बस लड़ना लड़ना कम करो. तुम भी लड़ते हो, मैं नहीं लड़ती. नवाब साहब बोलते ऐसे रहे, ऐसे बेचारे खुद तो लड़ते ही नहीं, ज़्यादा लड़ते हैं ये ऑलमोस्ट. और ये हस्बैंड होने के फायदे. माशाल्लाह माशाल्लाह. One hour later. So finally towards the flight. And all other personal items behind.
while leaving the aircraft. During the flight, you must comply with all cabin crew instructions and the warning lights. Thank you. So we are on flight. So first my flight up take off karne wali hai. So bas main super acche se hu. Ek to ye window itni gandi hai. Blur blur dikh raha hai. Hours later. This is how Delhi welcomed us. It's raining. So we just landed. So alhamdulillah se landing was done very smoothly. Yes, हम आए हैं दिल्ली. तो अपनों को छोड़ के अपनों से मिलने आए हैं. एक्चुअली हमारा प्लान कुछ और था, बट देन वी चेंज आवर प्लान कि मम्मा से बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. और दिस इज़ आउट दिल्ली वेलकम डर्स. तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, एंड फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड स्पाइस जेट का ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वॉज़ वेरी नाइस. एंड बस अब दिल्ली से बैगेज कलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि रात के बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं. एंड हमारी कैब वेट कर रही है. सम हस्बैंड और इस पर भी चलो तो फ़ायदा ही किया इस पर आने का. तो हमारे से पागल नहीं देखे होंगे आपने. एक्सीलेटर पे भी हम लोग सब भाग रहे हैं, क्योंकि लेट हो गया है. और आज का नसीब भी ऐसा ही है, गेट्स के लिए चले और अब बैगेज के लिए चल रहे हैं. बस चलना ही चलना है. और पैर ये बूट्स और काट रहे हैं, बस चलना ही है. अब घर पर जाके आराम मिलेगा. तो देखो कितनी जल्दी भाग रहे हैं वो भी इस पर. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये हमारा लगेज 1, 2 एंड 3. मैं भी लगेज नहीं, तुम लगेज नहीं, तुम मेरे शोहर हो. तो बस आई एम सो एग्जॉस्टेड. हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो गए कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगा इस टाइम. ना खाना ना पीना ना कुछ भी, बस आराम करना है मुझे. तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.